Shankha Chakra Gada Padma Dharinam Sukhadayakam Karanam Sarvabhutanam Shrimathuresham Namah. Yagyopavitam Paramam Pavitram Prajapateyat Sahajam Purastat Ayushyamagram Pratimuncha Shubhram Yagyopavitam Balamastuteja. Priya Atmiya Vallabhiya Vaishnavajan, आप सबको यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पुष्टिमार्ग के प्रथम निधि स्वरूप श्रीमन मथुरादीश प्रभु के एवं श्रीमदाचार्य चरण और प्रभु चरण सह आद्य प्रथम गृहाधीश्वर श्री गिरधरजी के परम अनुग्रह से वर्तमान प्रथम पीठाधीश्वर श्री विठ्ठलनाथ जी महाराज जी के पौत्र एवं हमारे आत्मज चिरंजीव श्री कृष्णस्य बावा का यज्ञोपवीत संस्कार विक्रमाब्द 2075 वल्लभाव 541 माघ मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी शुक्रवार दिनांक 25 जनवरी 2019 के शुभ दिन निर्धारित किया गया। इस वैदिक संस्कार उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आप सबको स्नेह पूर्वक आमंत्रण है। आज की वर्तमान स्थिति देखें तो कलिकाल के प्रभाव से वैदिक धर्म प्राय लुप्त तो होते जा रहे हैं। वैदिक देश शुद्धि के लिए क्रियमाण कर्म षोडश विध है। षोडश संस्कार अंतर्गत यह उपनयन संस्कार एक मतानुसार एकादशवां संस्कार है। प्रथम कर्तव्यतया संस्कारों में विषय में श्री वल्लभ नंदन श्री गोपीनाथ प्रभुचरण साधन दीपिका में आज्ञा करते हैं गर्भाधान आदि संस्कार। गर्भाधान आदि संस्कार से वहां इन समस्त वैदिक 16 संस्कारों को समझाया जा रहा है। अतः षोडश संस्कार अंतर्गत उपनयन संस्कार द्वारा ब्राह्मण द्विज कहलाता है। उप अर्थात समीप और नयन अर्थात ले जाना। उपनयन अर्थात ब्रह्म के समीप ले जाने की वैदिक प्रक्रिया है। इसलिए उपनयन के तुरंत पश्चात द्वादशवां से अधिक संस्कार वेदारंभ है। इन सभी संस्कारों का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। अतः इस वेदोक्त विधि में न केवल प्रथम सृष्टि अपितु समस्त पुष्टि सृष्टि को एवं सभी सनातन धर्म अवलंबियों को इस शुभ कार्य में सदा सेवा सहयोगार्थ जुड़ने के लिए मैं पुनः सस्नेह आग्रह करता हूं। आप सबका इस वैदिकोत्सव में स्वागत है। स्वधर्म रक्षार्थ स्वगृह सेवार एवं भारतीय गौरवशाली वैदिक संस्कृति को अक्षुण जीवंत रखने के लिए इस उपनयन जनेऊ संस्कार में अवश्य आप सब जुड़े। किम अधिकम श्रीमन मथुरेश चरण शरणम सदा।